प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान पुलिस को मिले आदेशों के तहत प्रदेश के कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन के आदेशों का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके बाद राजस्थान पुलिस की ओर से प्रदेश में बल प्रयोग और सख्ती से निपटते हुए धारा 144 और लॉकडाउन की पालना कराई जा रही है। इसे लेकर एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने प्रदेश में एक एडवाइजरी भी जारी की है। सभी आईजी रेंज और जिला एसपी को जारी की गई इस एडवाइजरी में एपिडेमिक डिजीज एक्ट और सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर फैलाई जा रही अफवाह को देखते हुए सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने खास बातचीत की एडीजी क्राइम बीएल सोनी से। बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते राज्य सरकारें लगातार मीटिंग कर रही है। तमाम सरकारी मशीनरियों को यहाँ पर काम में लिया जा रहा है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। राजस्थान पुलिस भी इसमें एक अहम योगदान अपना अदा कर रही है। हमारे साथ यहाँ पर बीएल सोनी साहब हैं, उनसे जानेंगे कि राजस्थान में किस तरह के हालात हैं फिलहाल और जो लगातार जो मामले आ रहे थे सोशल मीडिया पर, लगातार जो अफवाहें फैल रही थी, क्योंकि लोगों के अंदर ये मैसेज जाना बहुत जरूरी होता है कि जो अफवाहें फैल रही है उनसे बचा जा सके, तो उसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। किस तरह की एडवाइजरी है और उसमें किस तरह का मैसेज दिया गया है सर, किस तरह का मैसेज दिया गया है बेसिकली, और राजस्थान की स्थिति की बात करें तो क्या? पूरी राजस्थान पुलिस इस महामारी में एक पूरा सक्रिय भूमिका अदाने के लिए अदा कर रही है। हमारे जो अधिकारी हैं, जिले के एसपी, जिले के डीवाईएसपी, जिले के एसएचओज, वो जनता के साथ जाकर के उसको अवेयर कर रहे हैं, उसको जगह जगह पर जाकर के उनको संदेश दे रहे हैं सरकार का, और जहां जहां भी राज्य सरकार के और जो विभाग के जो निर्देश हैं उनकी पालना कोई नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह स्पष्ट निर्देश है कि इसको अत्यंत गंभीरता से लिया जाए और वो रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा मानवीय दृष्टिकोण से भी उनका जो एक पूरा प्रण है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, उसको भी पुलिस विभाग भी पूरा ध्यान में दे रही है, और जहां कहीं भी कोई व्यक्ति उनको अगर कहीं ऐसा भूखा या ऐसा कोई जो जो सारे साधनों से वंचित है तो उसको भी सहायता पहुंचाने की पूरी कवायद की जा रही है। इसमें जो कुछ एरियाज ऐसे हैं, करीब 35-36 जगह कर्फ्यू लगा हुआ है जहां पर कि पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, वहां पर कर्फ्यू की बहुत सख्ती से पालना की जा रही है। वहां के एसएचओज, वहां के डीवाईएसपीज, वहां के मजिस्ट्रेट सभी लगातार गश्त कर रहे हैं। हमारे जो जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी से अपने जान की परवाह किए बगैर पूरी तरह से वहाँ पर लगे हुए हैं, और भीलवाड़ा एक अच्छा उदाहरण है जहाँ पर कि सभी एजेंसियों ने मिलकर के और एक आपातकालीन स्थिति को एक बड़े अच्छे सकारात्मक एक पहल में बदला है। जयपुर में एक पूरा हॉटस्पॉट डेवलप हुआ है, झुंझुनू में हुआ है, कोटा में अभी डेवलप हुआ है, तो वहाँ पर भी हम सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ सब विभागों के साथ मिलकर के कर रहे हैं। इसमें पिछले 24 घंटे में लॉकडाउन के वायलेशन करने के 46 मामले दर्ज हुए हैं, मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सोशल मीडिया पे कई लोग गलत भ्रामक जानकारी दे देते हैं जो कि वर्जित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, अगर आपके पास कोई गलत पोस्ट आती है और अगर उसको खाली आप फॉरवर्ड भी करते हो तो भी आप जुर्म के भागीदार बनते हो, आपने अपराध किया है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। 12 मुकदमे ऐसे दर्ज हुए हैं, 339 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, और केसेज में 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक लॉकडाउन से शुरू होने से अब तक की अगर हम बात करें तो 306 FIRs तो लॉकडाउन के वायलेशंस की दर्ज की गई है और 80 FIR सोशल मीडिया से संबंधित दर्ज की गई है, और कुल 3344 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है और 458 लोगों को मुकदमों में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ 89,000 वाहनों के खिलाफ MV एक्ट में कार्रवाई की गई है और करीब 54,000 वाहनों को जब्त किया गया है। बात है जो एपिडेमिक डिजीज जो एक्ट है बेसिकली, उसमें कितनी कार्रवाई हुई, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार लोगों ने ये जो इस लॉकडाउन के दौरान ये चीजें तोड़ी है और इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी पुलिस को और सब चीजें देखने को मिली है। भीलवाड़ा में सबसे पहले हुआ था, परिवार दर्ज हुआ था, तो एक्चुअली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसका नोटिफिकेशन अभी हुआ था, तो उसके बाद जो काफ़ी FIRs दर्ज हुई है वो उनमें दर्ज हुई है। 188 IPC के तहत दर्ज किए जा रहे हैं और कई सारे प्रावधान हैं IPC के जिनके तहत
आईटी एक्ट के तहत विभिन्न प्रावधानों में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, वाहनों को जब्त किया जा रहा है। बट मुझे खुशी है कि आम तौर पर लोग इसका पालन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं खूब अच्छी तरीके से। कई सारे स्वयंसेवी संगठन हैं जो सहयोग कर रहे हैं, और जो लोग वंचित हैं जिनको कि खाने पीने की प्रॉब्लम है, उसमें भी सभी लोग पूरी अच्छी तरह से सहयोग कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर के इस आपदा से उबर जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, कर्फ्यू के दौरान क्या बल प्रयोग बहुत जरूरी समझा जा रहा है, क्या जरूरी है, और अगर नहीं हो रहा है तो, क्योंकि संक्रमण है जो जैसे परकोटे में हुआ है, बाहर संक्रमण फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो संक्रमण और ना फैले, उसके लिए कुछ कर्फ्यू तभी लगाया जा रहा है जब अत्यंत ही गंभीर स्थिति हो गई है, जब ज्यादा केसेस पॉजिटिव एक ही एरिया से आ जाते हैं और ये लगता है कि ये संक्रमण यहाँ पहुँच ही गया है और जो उससे संपर्क में लोग थे उन तक भी पहुँच सकता है, दूसरे लोगों तक पहुँच सकता है, तो उसको कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। तो कर्फ्यू में हमने पुलिस को पूरी अच्छी तरह से सख्ती बरतने के लिए कहा है। देखिए, ये परिस्थिति अलग है, ये कानून व्यवस्था की परिस्थिति नहीं है जिसमें कि हम बहुत ही विभत्स तरीके से बल प्रयोग कर लें, लेकिन समझाइश के तौर पे जहां जरूरत पड़ी तो सख्ती के तौर पे लोगों को साथ लेकर के और कर्फ्यू की पालना की जा रही है। मैं आपके मार्फत यही कहना चाहूँगा कि ये आपके खुद के हित के लिए है, आपके भले के लिए है। अगर आपके घर पर स्वास्थ्य कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की, सफाई कर्मियों की टीम आ रही है तो वो अपने जीवन को संकट में डाल करके आपकी मदद करने के लिए आ रही है, आपको सेफ करने के लिए आ रही है, आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आ रही है, तो आप उनका सहयोग करें और उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्भाव नहीं करें, अन्यथा आपके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आखिरी सवाल सर, सरकार ने टास्क फोर्स गठित की है सर, उसमें भी आप हैं, तो क्या लग रहा है 14 तारीख के बाद की स्थिति है, क्योंकि 7 दिन तो अभी बचे ही हैं फिलहाल, इसके अंदर स्थितियां कैसी रहेंगी? सभी उसमें बहुत सारे सदस्य हैं और सबके जो उसमें सुझाव लिए जा रहे हैं, आमजन के सुझाव लिए जा रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से जो हमारे तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इसमें ज़्यादा कुछ बता पाएंगे। तो एक समग्र रूप से पूरे समस्त लोगों के साथ बात करके और एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे कि हम और लोगों के जीवन को बचा सकें और लोगों में ये फैलने से बचा सकें, और जो एक पूरे बड़े राज्य, हमारा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उस सब के पूरे को देखते हुए और उच्च स्तर पर ये निर्णय पूरा सोच समझ के और जनहित में ही लिया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप भी लोग, जितने भी जो लोग हैं प्रदेशवासी के, जितने भी यहाँ की जो जनता है, वो पुलिस का कहीं ना कहीं इसमें सहयोग करें। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादव इंद्र शर्मा, एवन टीवी न्यूज़ जब